नमस्कार दोस्तों, हनीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली गुड़ की चिक्की, जो लोनावला में बहुत ही फेमस है और आप इसे घर पे 5 से 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले हम मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लेंगे। आप इसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हो और तवे पे भी रोस्ट कर सकते हो। अगर आप माइक्रोवेव में रोस्ट करना चाहते हो तो आप इसे 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको तवे पे रोस्ट करना चाहते हो तो गैस के ऊपर आप 5 से 6 मिनट के अंदर इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हो। अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद आप इसके सारे छिलकों को निकाल लीजिए। अब हम रोस्ट मूंगफली में से थोड़ी सी मूंगफली ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी ले लेंगे। घी पिघल जाए उसके बाद हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कैरामलाइज कर लेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि गैस की आंच को आप लो रखें। अगर आप गैस की आंच को मीडियम से हाई रखेंगे तो आपका गुड़ जल सकता है और आपकी चिक्की बिगड़ सकती है, तो आप अपना गैस की आंच को लो रखें। आप देख सकते हो हमारा गुड़ अच्छी तरह से कैरामलाइज हो चुका है, पर हम एक बार उसे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसके अंदर गुड़ की 2 से 3 बूंद डाल दीजिए। गुड़ की बूंद डाल देने के बाद आप देख सकते हो अगर गुड़ चिपक रहा है आपके हाथों में तो अभी तक अच्छे तरह से नहीं हुआ है, तो आप उसे और 2-3 मिनट तक चलाते रहिए, फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो अब हमारा गुड़ अच्छी तरह से टूट रहा है, तो हमारे गुड़ अच्छे तरह से कैरामलाइज हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमने जो रोस्ट किया था वो मूंगफली के दाने डाल देंगे और साथ में हमने जो क्रश किया था वो भी मूंगफली के दाने हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस की आंच को हम लो ही रखेंगे ताकि हमारा गुड़ और पीनट जल ना जाए। आप देख सकते हो हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम इसको थाली के पीछे के भाग में निकाल लेंगे, पर उससे पहले हमने थाली को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपक ना जाए। अब हम हमारे मिश्रण को थाली पे अच्छी तरह से कटोरी की हेल्प से फैला लेंगे। अच्छे से फैला लेने के बाद हम बेलन की हेल्प से उसे अच्छे से बेल लेंगे ताकि हमारी चिक्की पतली और उसकी सरफेस भी स्मूथ बन के आ जाए, इसलिए हम उसे बेलन से अच्छे से बेल लेंगे। और अब हम उसके ऊपर चाकू की हेल्प से मार्क बना लेंगे। मार्क बन जाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए साइड पे ऐसे ही रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम चिक्की को थाली पे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हो चिक्की कितनी आसानी से थाली पे से निकल रही है। थाली पे से निकल जाने के बाद हम उसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो देखिए हमारी चिक्की रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।